everyone and assalamu alaikum. This is Shirafa Yasmin. Welcome back to my channel Dekhte Raho and welcome back to my kitchen. और आज की रेसिपी है मसूर के दाल के पकोड़े. मसूर के दाल के पकोड़े हमारे यहाँ बड़े शौक से खाए जाते हैं. मुझे आप लोग लाल दाल कहते हैं ना, ये उसको पकोड़े होते हैं. करना क्या होता है कि आपको इसको रात में ही भिगो देना है, ठीक है. इसको भिगो के आप छोड़ दीजिए ओवरनाइट. सुबह इसको आप ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिए और इसमें कुछ चीज़ें हम डालेंगे और मज़ेदार से पकौड़े जो हैं तैयार करेंगे. बिल्कुल इसी तरह से चने की दाल के पकौड़े भी बनते हैं. बस उसमें आपको जो है चने की दाल को बॉईल कर लीजिएगा. ज़रा सख्त होती है तो गलने में वो टाइम देती है पकने में. तो हम क्या करते हैं, उसको हल्का सा बॉईल कर लेते हैं और उसके बाद उसके भी पकौड़े बिल्कुल इसी तरीके से तैयार किए जा सकते हैं. चलिए जी, मैं स्टार्ट करती हूँ और साथ साथ आपसे ये कहूँगी कि आखिर तक जुड़े रहिएगा. ये बहुत मज़ेदार से पकौड़े आपके रमज़ान के जो पकवान है उसमें आप इसको शामिल कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा. चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आ जाइए. ये मसूर की दाल है, ये एक कप मेरे पास है. अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मसूर की दाल को एक कप मैंने क्यों भिगोया. घर में लोग कम है लेकिन एक कप इसलिए भिगोया है कि ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पीसना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसको मैं पीस के फ्रीज़र में रख दूँगी. जब मुझे पकाना होगा तो मैं इसको निकालूंगी, इसमें सामान ऐड करूँगी और फटाफट ये कुक हो जाएगी. तो ये आसान तरीका. आप चाहें तो दो कप इकट्ठे भिगो के पीस के इसके डब्बे या पैकेट्स बना के रख लें और आप जो है बासानी इसको यूज़ कीजिए. हम ग्राइंडर की तरफ आपको लेके चल रहे हैं. अब ये होगी ग्राइंड. अच्छा, ग्राइंड करने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हमें पानी का बहुत कम इस्तेमाल करना है, ठीक है. बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है. इसमें नीचे पानी है, मैंने ऑलमोस्ट सारा पानी फेंक दिया. तो जितना ज़्यादा, अगर आपने इसको पानी पानी कर दिया तो मैं आपको बता रही हूँ पकौड़े बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे. वो सारे के सारे सौगी हो जाएंगे और वो तेल पी लेंगे. अच्छा, थोड़ा सा पहले मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ. ये देख रहे हैं इसमें कितना पानी है. मैं अभी फ़िलहाल ये पानी नहीं डालूँगी. इसमें से मैं ये इस तरह से निकाल रही हूँ. ठीक है, ये थोड़ा सा बच गया, इसको हम देखते हैं. पहले हम इसको ब्लेंड करते हैं. का ज़रा सा हम लुक देख लें. ये ऑलमोस्ट हो गया है लेकिन अभी इसमें बाकी है थोड़ा, तो हम उसको भी ब्लेंड कर लेते हैं. और ये जो बची हुई दाल थी, हमें इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है. तो ये दाल मैं पानी में से, ये देखें पानी मैं इसका निकालती जा रही हूँ और दाल को ऐड कर रही हूँ. चलें फिर इसको एक दफा बंद कर दें. फिर मैंने बंद कर दिया है और तकरीबन मुझे 3 मिनट लगे होंगे या 2 मिनट लगे होंगे मुश्किल से इसको पीसने में. और ये देखें इसका पेस्ट मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ. ये बिल्कुल थोड़ा सा जो दाल में अपना पानी था मैंने उससे पीसा है. ये देखें कितना गाढ़ा है, ठीक है. अगर मैं इसमें पानी ऐड कर देती तो ये बिल्कुल पतला हो जाता और इसके पकोड़े नहीं बन पाते. मैंने आधी दाल अलग कर दी, मुझे सारों का नहीं बनाना है तो आधी दाल मैंने हटा दी है. अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें, उसके बाद ये थोड़ा सा हरा धनिया, देन ये कटी हुई ऑमलेट की तरह प्याज है, थोड़ी सी प्याज. फिर इसमें ये है आपका खाने का सोडा, ये बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि दाल इतनी नहीं हम इसमें ज़्यादा नहीं डाल सकते. नमक अपने हिसाब से जैसे आपके घर में खाया जाता है. उसके बाद ये साबुत ज़ीरा, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है. बस अब इसमें आप चाहें तो लहसुन भी ऐड कर सकते हैं. ये लहसुन को आप
इस तरह से दबा के इसका पानी निकाल दीजिएगा, ठीक है। बस अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसको हम रखेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है क्योंकि दाल कच्ची है, हमने सिर्फ भिगोई है। मीडियम हाई फ्लेम पे इसकी बेस थोड़ी सी बन जाए तो फिर मैं इसको टर्न करती हूँ। देखें इसकी बेस बन गई है, अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ। अब ये इसी तरह से घूम घूम के पक जाएगा। ये देखिए फाइनली ये भी बिल्कुल अब तैयार है और इसको मैंने हाई मीडियम फ्लेम पे जो है वो फ्राई किया है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा लो पे नहीं रखा था, बहुत ज़्यादा हाई पे लेके नहीं गई। उसकी वजह ये लो पे रखेंगे तो सॉगी हो जाएंगे, हाई पे रखेंगे तो अंदर से नहीं पकेंगे। तो आपको इसको मीडियम फ्लेम पे कायम करना है और बिल्कुल एंड पे आके आप ज़रा सा हाई मीडियम फ्लेम पे इसको ले जाइएगा। बस ये तकरीबन तैयार है, इनको मैं अब निकाल लूंगी। ये मैंने निकाल दिए हैं और इसकी टड़क टड़क आपको आवाज़ आ रही है, ठीक है। चलिए इसे मैं डिश आउट करती हूँ। तो ये मज़ेदार से मसूर के दाल के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। अगर आपने कभी पहले नहीं बनाए तो अब बना के देखिएगा, ये बहुत टेस्टी होते हैं और ये जिस तरह से बनते हैं बिल्कुल इसी तरह से ख़त्म भी हो जाते हैं। इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि मैं इसको लेके खड़ी हूँ और मुझे इसकी बहुत सूदिंग सी फ्रेग्रेंस जो है वो आ रही है। आप मसूर की दाल के पकोड़ों को तैयार कीजिएगा इस रमज़ान में और अपने दस्तरखान की शान बढ़ाइएगा। इसके साथ ही शेफ यास्मीन को दे दिया जाता है, मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हाँ, चैनल पर नए हैं, पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।